गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर विद डॉक्टर गया। आपका पूरा नाम क्या है? गया जी मैनन। डॉक्टर गया मैनन हमारे साथ हैं एंड जनरली पेशेंट से मिलते हैं, बट शी इज अ डॉक्टर एज वेल एज ए पेशेंट, शी इज अ कोलीग एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर डिजीज दैट इज स्पोंडाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया विच अफेक्ट्स द स्पाइन एंड द जॉइंट्स। कितनी एज है गया आपका? 31 ईयर। और कब से ये डायग्नोज हुआ, कब से आपको डिसेबिलिटी हुई? डिसेबिलिटी तो पहले हुआ था, लाइक जब मैं अराउंड 9 इयर्स की थी, आई मीन 9th क्लास में पढ़ती थी, यानी 15 इयर्स का टाइम था। तो मतलब मेरा पहला प्रॉब्लम था कि मेरा शॉर्ट स्टेचर था, हाइट कम था। तो पहले हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए गए थे केरला में, मैं केरला से हूँ, केरला में गए थे। तो वहाँ से वो ग्रोथ हार्मोन का काउंट कम है बताया, तो फिर हमने ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन स्टार्ट किया था। तो 2-3 महीने सब ठीक चल रहा था, पर उसके बाद मतलब डॉक्टर को थोड़ा लगा कि मैं चलते वक्त अपना राइट लेग थोड़ा ड्रैग करके चल रही हूँ। तो जस्ट एक ऑर्थो का कंसल्टेशन लिया था, तो उन डॉक्टर ने वो स्कैन सब देख कर बताया कि राइट साइड का हिप डिसलोकेशन है। उससे पहले आपको पता नहीं था? नहीं था, पता नहीं था। उससे पहले मतलब मैं सारे एक्टिविटीज करती थी, मतलब मैं स्पोर्ट्स में थी, डांस करती थी, भरतनाट्यम करती थी, मतलब चलने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये हिप डिसलोकेशन का सर्जरी प्लान किया था तब जब मैं 10th में थी सर, तो लाइक 16 इयर्स का एज। तब सब प्लान किया, एवरीथिंग वाज रेडी, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, सब किया। तो मतलब उसके पहले दिन कोई डॉक्टर्स आते थे, वो रिफ्लेक्स देख के गए, तो आई थिंक उनको सब कुछ डाउट लगा। और नेक्स्ट डे आके बोले कि मेरा हिप का सर्जरी कैंसिल हो गया है और ये एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन का वो प्रॉब्लम डायग्नोस्ड है। अच्छा। तो पहले उसका कुछ करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रायोरिटी, या उसके बाद ही हम हिप का कुछ करेंगे, ऐसे बोल के मुझे 8 days के लिए सर्वाइकल ट्रैक्शन में डाल दिया। और उन्होंने देखा कि लाइक वो रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, फिर उनको बोला कि उन्होंने बोला कि लाइक नहीं, सर्जरी करना पड़ेगा, बहुत रिस्की सर्जरी भी है। और वो लोग मतलब ना ज़्यादा होप भी नहीं दे रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइक हम सोच के बताएंगे करके हम डिस्चार्ज होके चले गए। फिर हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे, और मेरे मम्मी के ब्रदर भी एक डॉक्टर है जी, जी। तो वो भी लाइक कॉन्टैक्ट सब देख देख के, फिर एक्चुअली 2 साल के बाद यानी 2008 में जब मैं 18 साल की हुई थी, तब कोवई मेडिकल सेंटर KMCH हॉस्पिटल में डॉक्टर पार्थिवन सर ने मेरा ये एटलांटो एक्सियल का ऑपरेशन किया था। तो तब तक तो मतलब स्पाइन कंप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो आपको स्पाइन कंप्रेशन से क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम एक्चुअली सर मेरे में यही प्रॉब्लम है कि मुझे सिम्टम्स वाइज कुछ नहीं प्रॉब्लम था। मतलब जब भी एक्सरे या स्कैनिंग सब देखते हैं तब प्रॉब्लम दिखता है, मुझे सिम्टम वाइज वैसा कुछ भी दिक्कत। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि चलते हुए मैं गिर जाऊंगी? नो सर, नथिंग। अच्छा, बट जब से वो मतलब जब मैंने कहा ना 2008 में मेरा सर्जरी हुआ था, तो उसके साथ 4-5 महीने से मुझे चलने में थोड़ा लाइक पेन और तब कुछ सिम्टम्स आए। कहाँ पेन? कहाँ पेन? लेग में, मतलब थोड़ा चल राइट लेग में, राइट पैर बहुत दुखता था, और मतलब बैलेंस थोड़ा मुझे ऑफ लगा। तो मैं लाइक दीवार में पकड़ पकड़ के चलती। उससे पहले बिना सपोर्ट के चलते? बिना सपोर्ट के सर, नो प्रॉब्लम। सर्जरी के बाद कुछ आपने बताया था वीकनेस आ गई थी? हाँ सर, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था। तो मतलब 3 महीने फुल बेड रेस्ट थी मैं, उसके बाद क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था। तो मुझे CMC वेल्लूर के रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, तो वहाँ 4.5 महीने फिर ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापी सब करके लेफ्ट साइड का पावर बेटर हो गया। और जब वहाँ से डिस्चार्ज किया तो राइट लेग में मतलब वो गेटर बोलते हैं ना, AFO एंड वो गेटर मींस कैलिपर जैसा, वो लेकर मैं स्टिक और वॉकर से चल पा रही थी। फिर घर आके भी हमने लाइक कंटिन्यूस फिजियोथेरापी किया, और उसी के बीच में मैंने एंट्रेंस लिखा, एंट्रेंस में मिला, MBBS मिला। तो मेरे घर के पास थोड़ा पास ही था कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो कॉलेज भी मैं लाइक पहले फर्स्ट
फोर इयर्स तब मैं व्हीलचेयर में ही थी, फ्रेंड्स सब हेल्प करते थे। जब फिर भी मैंने लाइक फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस किया था और थोड़े बाद ये AFO भी हटा दिया और वो गेटर भी हटा दिया। उसके बाद फाइनल ईयर हो गए तो मैं विदाउट मतलब AFO एंड गेटर वन स्टिक से चल रही थी। तो इंटर्नशिप मैंने वैसे चलकर किया, वैसे MBBS कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर थोड़े महीने के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक में वर्क कर रही थी एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। देन बीच में मैंने MD के लिए एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन किया, वेरी गुड। और उसमें मुझे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में मिला सीट। ग्रेट, वेरी गुड। तो वो एकदम कोविड के टाइम में था, तब हम बैंगलोर आए सर। तो बैंगलोर में भी मैंने मतलब मैं उसके पहले हर ऑर्थो डॉक्टर से पूछती थी, सर ये डिसलोकेशन का कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो लोग बोलते थे फिलहाल अभी आपके कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, कुछ करने की ज़रूरत है। पर मुझे क्या है कि लाइक मुझे थोड़ा और इंडिपेंडेंट कुछ चलने में कुछ थोड़ी आसानी होती है, तो मैं अपना काम कुछ कर सकती थी। मतलब हमेशा मेरे आगे पीछे मम्मी पापा रहते थे, बाथरूम जाना होता हेल्प करते थे। मतलब गिर जाती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये लोग आकर उठाना पड़ता था। तो इनको भी मेरी चिंता होती है, मुझे भी कुछ एक लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इस साइड में वीकनेस भी है? हाँ, वीकनेस तो है लेकिन पेन नहीं है। तो लाइक बैंगलोर में आने के बाद हमने औरतों को दिखाया, तो वहाँ के डॉक्टर को जब मैंने अपना ये पूरा स्टोरी बताया, तब उनको लगा कि लाइक कोई तो जेनेटिक का इश्यू है करके तब जाके हमने वो जेनेटिक टेस्टिंग किया था। अच्छा, डायग्नोसिस तब बना जाके? तब बना, मतलब रिसेंटली सर, एक या दो साल हो गए तभी पता चला ये जेनेटिक का प्रॉब्लम है। उससे पहले कोई नहीं बोला कि ये जेनेटिक इश्यू है। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें आपकी बात से पता चली। नंबर वन कि कोई भी प्रॉब्लम हो, वी हैव टू बी ब्रेव, वी हैव टू फेस इट एंड वी शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे वीडियोस देखेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं। और इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप अपना एकेडमिक आपने नहीं छोड़ा, आपने MBBS किया, MD किया एंड यू आर स्टिल वर्किंग। सो आई थिंक इट्स ए ब्रेव स्टोरी आई एम टेलिंग यू। एंड फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, वो जो हमने एटलेंटो एक्सियल मतलब बहुत ही रिस्की सर्जरी होता है, दो चीज़ टर्म्स में अपने पेशेंट अपने व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर दूं। एटलेंटो एक्सियल मींस आपका C1 और C2 जो सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्रा होते हैं उसके बीच में डिसलोकेशन हो जाता है जब स्पोंडाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। और अगर वो पूरी तरह डिसलोकेट हो जाए तो पेशेंट के दोनों चारों हाथ पैर बंद हो सकते हैं। और कई बार सर्जरी के बाद भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर गया के केस में हुआ कि सर्जरी के बाद चारों हाथ पैरों ने बंद काम करना बंद कर दिया, जिसको हम क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, शी केप्ट ऑन डूइंग फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये खुद अपने आप चल पाई उसके बाद। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कई बार आपको ऐसे लगेगा कि हमने ट्रीटमेंट करा के गलती कर दी, उससे पहले ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन डिस्करेज नहीं होना है, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। और लास्ट, कई बार डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, कई बार डायग्नोसिस बहुत लेट बनता है, जैसे डॉक्टर साहब के केस में हुआ कि इतने सालों तक ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरीज भी होती रही लेकिन डायग्नोसिस नहीं बना। बट यू शुड नेवर लूज हार्ट, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। अब कंडीशन ये है कि इनको राइट लेग में वीकनेस है और उसी साइड डिसलोकेशन भी है जो कि बचपन से ही है। एसिटेबलम पूरा बना नहीं है, सॉकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव अनफ बोन टू वर्क ऑन। तो उसमें हम एक नया सॉकेट क्लियर क्रिएट करेंगे एसिटेबलम और उसमें हम रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज अगेन ए अनदर ब्रेव डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द सर्जन। सो वी बोथ नीड विशेज ऑफ एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो दैट इट विल बी सक्सेसफुल। बेसिकली मसल पावर कम है, उससे हमें चलने में परेशानी है, बट बिकॉज द ज्वाइंट इज नॉट इन प्लेस, वी नीड मोर एनर्जी टू वॉक। जैसे वो अपनी जगह पे आएगा, जो आर्टिकुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, सो वी नीड लेस पावर टू वॉक। सो द होप इज, आपको पेन तो है नहीं? नहीं, पेन नहीं। सो वी आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर पेन, वी आर ऑपरेटिंग फॉर बेटर फंक्शन। सो दैट इज द होल पर्पज ऑफ दिस सर्जरी।
एंड आई बिलीव कि इससे हम डॉक्टर गया की हेल्प कर पाएंगे और आने वाले टाइम में जो इनके पास इतने स्किल्ड हैं, ये क्वालिफाइड हैं, ये ठीक हो जाएं और अपने पेशेंट्स के लिए सर्विस दे सकें, उनकी हेल्प कर सकें और कभी भी इनको ये ना लगे दैट शी इज ए पेशेंट। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। ऐसे मैंने ऐसे कभी मुझे फील नहीं हुआ है, लाइक मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि लाइक वो लोग भी मुझे ऐसा देखते नहीं है कि ये देखो ये डॉक्टर चल नहीं पाती वैसा, पर मेरे पेशेंट्स से भी मेरे को ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब वो भी मुझे ही डॉक्टर से ही समझते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है ना, इससे वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसमें इतना विश्वास हम लोग करते हैं, हमारे पेशेंट्स भी हमें उतना रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑफकोर्स दे आर कंप्लेंट्स एवरीवेयर, हमें भी कई बार लगता है कि पेशेंट हमें उतना नहीं कर रहा है, कई बार पेशेंट को लगता है हम टाइम नहीं दे रहे हैं, वो चलता है, वो घर में भी चलता है, तो दिस इज लाइक ए फैमिली, तो थोड़ा बहुत रिसेंटमेंट्स चलता है, बट ओवरऑल आई स्टिल बिलीव कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इट इज़ रियली सैक्रोसेंक्ट और हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड यू आर नॉट ए पेशेंट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आपने ऐसे परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि आपने इतना साथ दिया है, थोड़ा सा और साथ देना। समय में ये बहुत ब्रेव रहता है। जी जी जी। इस समय में पता नहीं ये वो मतलब नहीं, होता है। डर था, पर अभी तो ठीक हो गई। हमारी एनेस्थीसिया टीम इज कैपेबल, दे मस्ट हैव टॉक टू यू अबाउट इट इन डिटेल। हाँ जी सर, ठीक है, स्ट्रांग है, यस। और हम अकेले नहीं हैं, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनके विशेष हमारे साथ हैं, इट्स ए बिग फैमिली और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इससे सक्सेसफुली बाहर निकल के आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड आएंगे एंड देन विल गो बैक। ओके, बैक। देर इज अ प्रॉब्लम इन ऑल जॉइंट्स इंक्लूडिंग स्पाइन, देर इज डिफॉर्मिटी इन स्पाइन एज वेल, पेल्विक टिल्ट है एंड राइट हिप इज डिसलोकेटेड। सो दीज आर रेयर केसेस, जनरली हम ऐसे केसेस टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, इट्स अ वेरी रेयर केस। ऑलराइट, डॉक्टर गया मैनन का ही हम एक्सरे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड का हिप ऑलरेडी डिसलोकेटेड है और ये बचपन से ही ऐसे है। अगर लेफ्ट से कंपेयर करें, लेफ्ट में हिप सॉकेट के अंदर है तो इस वजह से सॉकेट पूरी डेवलप हुई है, देखिए पूरा सॉकेट यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन जब डिसलोकेटेड होता है तो सॉकेट बनती नहीं है, सॉकेट सिर्फ यहाँ तक है स्टेबलम, उसके बाद जो यहाँ होना चाहिए था वो गायब है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमारे पास काफ़ी बोन है यहाँ पर काम करने के लिए, तो हमें इसके सॉकेट को यहाँ से क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट इट फ्रॉम हियर। और अगर फिर भी हमें ज़रूरत लगेगी तो वी कैन यूज़ दिस बोन, ये जो हेड का पार्ट है इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं एंड वी कैन फिक्स इट हियर। तो एक तरह से हमें पूरी सॉकेट ऐसे क्रिएट करनी है ताकि हेड को पूरा सपोर्ट मिले। दूसरी बात क्या है कि इधर इस तरफ मसल्स भी वीक हैं, जो इनकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई थी उसके बाद लेफ्ट साइड की रिकवरी कंप्लीट हुई है, राइट साइड की मसल्स वीक हैं। तो जब मसल्स वीक होती हैं तो हमें हिप को और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी देनी होती है। अब पेल्विस की वजह से आप देखेंगे स्पाइन में भी चेंजेस हैं, स्पाइन पूरा कर्व्ड है, ये देखिए इसको स्कोलियोसिस कहते हैं, ये सेकेंडरी स्कोलियोसिस है क्योंकि पेल्विक टिल्ट है। और स्पोंडाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया की ये टिपिकल फाइंडिंग्स है जो आप देख रहे हैं, इसमें वर्टिब्रा ऐसे इरेगुलर रहते हैं इस तरह से, ये काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है स्पोंडाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, इसमें स्पाइन में भी दिक्कत रहती है। और हमें उम्मीद है कि जितना हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, बिकॉज इन पेशेंट्स के लिए हमें स्पेशल इम्प्लांट्स मंगाने पड़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर छोटा है और बहुत छोटे वाली सॉकेट इसमें यूज़ होने वाली है, इसी तरह स्टेम भी बहुत इनका छोटा है तो हमें बहुत शॉर्ट स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इस केस ऐसे इस तरह के केसेस में हमारे पास जो इम्प्लांट्स हैं उनकी वैरायटी कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो इस सर्जरी में आप ड्यूरिंग सर्जरी स्टक हो सकते हैं, आप बीच में रुक सकते हैं क्योंकि इनको स्पेशल इम्प्लांट की ज़रूरत है।
तो हमारे यहाँ बिकॉज रूटीनली हिप सर्जरीज होती हैं, तो हमारे पास हर वैरायटी का इम्प्लांट अवेलेबल है, हर कंपनी का इम्प्लांट अवेलेबल होता है। और अगर ड्यूरिंग सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कई बार ऐसे केसेस में फ्रैक्चर हो सकता है बीच में, हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम कभी भी एक डेड एंड आ जाए कि उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। सो आइडिया इज़ कि इस तरह की सर्जरीज एक छोटे सेंटर पर नहीं हो सकती, या वहाँ नहीं हो सकती जहाँ पर कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट होता है। तो ये वहाँ होना चाहिए जहाँ पे हाई वॉल्यूम में हिप का काम होता है, और जहाँ पर स्टाफ और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, जो मेरे ओटी टेक्नीशियंस हैं, वो सब यूज टू होने चाहिए इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी कैन कलेक्टिवली एज ए टीम मैनेज इट एंड गिव द पेशेंट द बेस्ट रिजल्ट। सो लेट्स विश डॉक्टर गया मेनन ऑल द बेस्ट दैट, एंड वी ऑल्सो नीड द विशेज बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट केस। तो दोस्तों, इस केस का जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड होपफुली रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।